सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2222 उसकी पावर में 5555 डिवाइड बाय 7। तो हमें पूछा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, जब हम इस पूरे नंबर को इस 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और एक भी स्टेप मिस मत करना। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर 2222 अगर उसको हम 7 से सबसे पहले डिवाइड करें, ठीक है, अगर उसको हम नॉर्मल डिवीजन करें तो क्या होगा, यहाँ पर 7 × 3 = 21, 1 × 2 = 7, बचा 5 × 2 = 2, तो 7 × 7 = 49, तो बचा 3। तो जब हमने इस नंबर को 7 से डिवाइड किया तो आया रिमाइंडर 3। तो अगर हम यहाँ पर लिखे इसकी जगह 3 उसकी पावर 5555 डिवाइड बाई 7, हमने इसको 7 से डिवाइड किया और उसका जो रिमाइंडर बचा वो हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को अलग करेंगे। मतलब देखिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 की पावर 5550 × 3^5 डिवाइड बाई 7, राइट। ये हम लिख सकते हैं, हमने इस पावर को सिर्फ अलग किया है और ये प्रॉपर्टी भी सबको पता है, a^m + n है, तो उसको लिख सकते हैं a^m × a^n। ठीक है, ये m है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर सिर्फ यूज किया है। तो देखिए, 3^5 डिवाइड बाई 7 हम बाद में करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं कि 3 उसके ऊपर 5550 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो इस पावर को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 6 × 925। ठीक है, 6 और 925 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रहेगा ये 5550। तो हमने यहाँ पर उसको पावर की पावर में लिखा है। ठीक है, पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा। हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए और ये क्वेश्चन इजी हो जाए इसलिए हमने इस पावर को इसमें ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, × 3^5 / 7। अब देखिए 3^6 क्या होगा, 3^6 × 3^5 क्या होता है, सबसे पहले वो देखिए तो होता है 243। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3^6 होगा 729। और अब हम देखें कि 729 उसको जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 × 1 = 7, 1, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 2 आया तो 2 से नहीं चल सकता तो हम 9 लाएंगे नीचे, और यहाँ पर 0 तो 7 × 4 होगा 28। तो यहाँ पर रिमाइंडर आया 1। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम 3^6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 1। तो उस रिमाइंडर को हम यहाँ पर पुट करेंगे सिंपली 3^6 की जगह, तो 1 × 925, सिर्फ हमने यहाँ पर इतना लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इनटू में 3^5 है, उसको भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3^5 = 243। अब हम 243 को 7 से डिवाइड करेंगे तो अगर यहाँ पर लिखूं 243 डिवीजन में 7, तो 7 × 3 = 21 डिवाइड बाई क्या होगा, यहाँ पर 3 बचे, यहाँ पर भी 3 है, तो 7 × 4 = 28, तो रिमाइंडर आया 5। मतलब 3^5 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो उसका रिमाइंडर रहेगा 5। तो उसके रिमाइंडर को हम यहाँ पर इंटू मल्टीप्लीकेशन में लिख लेंगे। इस तरीके से हम जब रिमाइंडर को फाइंड आउट करना तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को शायद लगेगा कि हमने डायरेक्ट नंबर की जगह उसका रिमाइंडर ही क्यों पुट किया, तो ऐसा हम जब भी रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 उसके ऊपर 925 × 5, तो 1 के ऊपर कुछ भी आएगा 1 × 5, तो आंसर क्या आया 5। मतलब इस पूरे नंबर को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो ये हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ था, लेकिन जब आप इसकी प्रोसेस को समझोगे, मतलब नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर आया तो उसको हम यहाँ पर नंबर की जगह भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।